जिंदगी में वही लोग सक्सेस होते हैं जिन्हें पता है कि करियर के लिए मुझे क्या करना है और क्या बनना है, और हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट में लिए गए डिसीजन से ही बनता है। इसलिए जिंदगी में सारे डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। और जब बात करियर चुनने की हो तो हम आपको बताएंगे आप अपना करियर कैसे चुने। करियर गाइड प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत, और स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है एडमिशन एट बेस्ट। निम्स यूनिवर्सिटी का करियर ग्राइड प्रोग्राम एडमिशन एट बेस्ट स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और फिर बात अगर निम्स यूनिवर्सिटी की जाए तो ये तो सब जानते ही हैं कि निम्स यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सराहनीय काम कर रहा है। और ये बात ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी यही कहा है, और इसके लिए उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर को धन्यवाद भी कहा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है झारखंड के शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने। न्यूज इंडिया के चेयरमैन जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत शुभकामना देना चाहूँगी कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनका हर समय सहयोग मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे बच्चों। तो नीरा यादव ने भी न्यूज़ इंडिया की सराहना की है, निम्स यूनिवर्सिटी की सराहना की है। वैसे तो कहा जाता है कि स्कूल लाइफ सबसे अच्छी होती है क्योंकि स्कूल लाइफ में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस पढ़ाई ही करते रहना है। लेकिन जैसे ही 12वीं पास कर लेते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स को करियर के बारे में सोचना होता है। 12th के बाद करियर कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये तो 12th पास करते ही पता लगता है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग करके फ्यूचर में सिविल इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि आखिर एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सिविल इंजीनियर कैसे बने। तो सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। स्ट्रक्चरल एक्शन से लेकर रिसर्च एंड सॉल्यूशन तक सिविल इंजीनियरिंग समाज के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सिविल इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आने से प्रोफेशनल्स की भारी मांग, बड़े शहरों में अन्य प्रोफेशनल्स की अपेक्षा न्यू कमर को अधिक सैलरी, देश विदेश में सिविल इंजीनियरिंग के कई जाने माने संस्थान, सरकारी विभागों से लेकर प्राइवेट कंपनियों में सिविल इंजीनियर की मांग। कैसे बने सिविल इंजीनियर? अगर आप 10th के बाद में सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना होगा किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से 3 साल का डिप्लोमा करके आप सिविल इंजीनियर की नौकरी पा सकते हैं, या फिर 12th के बाद में आप डिग्री करके सिविल इंजीनियर की नौकरी पा सकते हैं। और 12th के बाद में डिग्री करना चाहते हैं तो आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना होगा, तभी आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर पाएंगे। और 10th के बाद में सीधे पॉलीटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके और बाद में सिविल इंजीनियरिंग से ही बीटेक करके सिविल इंजीनियर की डिग्री पा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग अपने वर्टिकल और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है।
in civil engineering, PG diploma in civil engineering, certificate in civil engineering, construction supervisor certificate course. सिविल इंजीनियर के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो। एक सिविल इंजीनियर अलग अलग पोस्ट पर काम कर सकता है। सिविल इंजीनियर्स इस रूप में कर सकते हैं काम, कंस्ट्रक्शन प्लांट इंजीनियर, टेक्नीशियन, प्लानिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, साइट प्रोजेक्ट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एनवायरमेंट इंजीनियर, जियोटेक्निकल इंजीनियर, आउटसाइड प्लांट इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग के बाद जॉब। सिविल इंजीनियरिंग करने वालों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में ढेर सारे रोजगार की संभावनाएं पाई जाती है। हर साल गवर्नमेंट सेक्टर में 4000 से 5000 सिविल इंजीनियर के लिए भर्ती निकलती है। सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी पर मंथ। सिविल इंजीनियर की सैलरी 25000 से 30000 रुपए होगी। विदेशों में सिविल इंजीनियर की सैलरी। सिविल इंजीनियर की मांग विदेशों में ज्यादा होने के कारण वहां पर सैलरी भी बहुत ही अच्छी दी जाती है। अमेरिका जैसे देश की बात करें तो वहां पर एक सिविल इंजीनियर की सैलरी 50000 से $60,000 होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप आगे जाके बहुत ही अच्छा और बेहतर करियर बना सकते हैं। और एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही आपको अपना 100% देना होगा। फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे में ये कोर्स करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फॉर एडमिशन एट बेस्ट न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए क्या कुछ कोर्स करना होगा, किस पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं और कहां कहां जॉब के चांसेस हैं। फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीपी शर्मा, आप निम्स यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के हेड हैं, साथ ही आप प्रोफेसर भी हैं। इनके अलावा सुरेश बोहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप निम्स ग्रुप के चीफ इंजीनियर हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो एडमिशन एट बेस्ट में। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, कहा जाता है कि कुछ लोग इनकम से ज्यादा सर्विस को इम्पोर्टेंस देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग उन्हीं लोगों के लिए बनी है, कैसे? मैडम, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग इनकम से ज्यादा सर्विस को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मेरा थोड़ा सा मानना थोड़ा इसमें अलग है। आई थिंक देर आर सो मेनी पीपल्स, नॉट ओनली लिमिटेड। आपने कहा कुछ लोग, मेरा ऐसा मानना है या मेरा परसेप्शन कहे हैं या कि कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग हैं जो कि सर्विस को ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं जी। और ये मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज मेरे विचार में, मेरा जो परसेप्शन है, काफ़ी कुछ ज़्यादा है। जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग की जैसी आपने बात कही है, तो सिविल इंजीनियरिंग मैं मानता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में और जो आपकी स्ट्रीम्स हैं या ब्रांचेस हैं उनसे ज़्यादा थोड़ी सी डेडिकेशन, डिवोशन या थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जो काम है वो इस तरह के हैं कि आपको थोड़ा सा, जब कोई भी आप इस तरह के कोई रोड कंस्ट्रक्शन में आप हैं या बिल्डिंग में हैं या कहीं टनल बन रहा है या कि दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं,
तो उसमें आपको थोड़ा सा धूप या बारिश में जाना पड़ सकता है और रहना पड़ सकता है उस समय वहाँ। तो इसलिए ये कहना बेहतर है कि सिविल इंजीनियरिंग सर्विस के लिहाज से यदि आप देखते हैं तो हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर है जो कि जिनमें थोड़ा सा मादा है, जिनमें कुछ करने का मादा रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ मेहनत कर सकते हैं, वो उनके लिए बेहतर है। जी बिल्कुल। सुरेश जी, न्यू कमर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या कुछ स्कोप है? नमस्कार मैडम, न्यू कमर्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे दिलचस्प विषय रहा है शुरू से ही, क्योंकि ये आम नागरिक से जुड़ा विषय रहा है जी। नागरिक की शाखा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग का बचपन से आदमी देखता है, सिविल इंजीनियरिंग में अपने घर का मकान बनते हुए देखता है, आसपास में सड़कें बनते हुए देखता है, इसी से उसका जो भी जिज्ञासा होती है वो धीरे धीरे, जब तक वो अपने कैरियर के बारे में सोचता है तब तक बहुत कुछ सीख चुका होता है जी। ये ऐसा विषय है, आम लोगों से जुड़ा विषय है। तो इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि जितना स्कोप इस विषय में है उतना किसी विषय में नहीं है जी। बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है किसी क्षेत्र में नहीं है जी। बिल्कुल, आप निजी क्षेत्र में चले जाइए, आप सरकारी क्षेत्र में चले जाइए, निर्माण के अलावा भी इसमें योजनाओं के संबंध में आप काम कर सकते हैं, सर्वेक्षण के कार्य होते हैं उनमें आप काम कर सकते हैं जी। बिल्कुल सुरेश जी, काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में कई बेस्ट करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं और सभी कोर्सेज में से ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज हमेशा से ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं और इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का ट्रेंड लंबे समय से रहा है। वैसे तो हमारी रिपोर्ट देखने के बाद और गेस्ट के जवाब मिलने के बाद काफ़ी कुछ तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन इस फील्ड को और भी ज़्यादा डीप से समझते हैं हमारे अगले सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू में। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह, मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर निम्स यूनिवर्सिटी में पदस्थापित हूँ आज, और मेरा एक्सपीरियंस 15 ईयर्स इंडस्ट्रियल वर्क में रहा और 5 ईयर्स एकेडमिक में, अभी कंटिन्यूस मैं पदस्थापित हूँ निम्स यूनिवर्सिटी में। सिविल इंजीनियरिंग किसी भी देश को इम्प्रूव करना है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में, हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में। भारत में आज भी केनाल है, आइरिगेशन है, रोड्स हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो आपको सिविल इंजीनियर चाहिए। तो सबसे पहले जो मैट्रिक के बच्चे हैं, वो जब मैट्रिक पास कर जाते हैं तो उनके लिए आईटीआई का भी प्रावधान है, जो 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल वो उसमें आईटीआई में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज हैं, जैसे ड्राफ्टमेंट का है, सर्वेइंग का है और आपका मटेरियल टेस्टिंग्स का। ये 3 अहम स्कोप्स हैं जिससे बच्चे 2 साल इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी डिफरेंट क्षेत्र में दिए जाते हैं। दूसरा पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक 30 साल का है सिविल इंजीनियरिंग में, जो पॉलिटेक्निक करने के बाद बच्चे JEE के पद पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट्स में NHI में है, राइट्स में है, आपका मोर्थ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कंपनीज में भी काफ़ी पोस्ट हैं, उसके बाद आपका PWD है, आइरिगेशन डिपार्टमेंट है, PHE है, CPWD है, और नाउ ए डेज आज के डेट में प्रधानमंत्री ने एक ग्राम पंचायत में भी JEE का एक पद स्थापित रखा है, पद खाली रखा है कि वहाँ कोई भी बिल्डिंग यदि धराशायी होता है या गलत तरह से बनाया जाता है तो वो इंजीनियर्स हमारे देखेंगे जाके उनके क्वालिटी, और जिसकी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्टर को या अपने जिला स्तर पर इंजीनियरों को बताएंगे। BTEC लेवल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल पर भी बहुत से भारत में आज भी पद खाली हैं, यदि बच्चे इससे अच्छा शिक्षा लें, कॉलेज से 4 साल का ये कोर्स होता है और इससे भी वो पास करने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी है देश में। आपके BTEC के बाद
एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी प्रावधान है, जिसमें डिफरेंट्स ब्रांचेज हैं कि एमटेक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर लिए उसके बाद उन्हें एमटेक करना है तो कई ब्रांचेज हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। अब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जो सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी फाउंडेशन हम भारत में या किसी नेशन स्तर पर हम देते हैं तो पहले सॉइल की गुणवत्ता के विषय में हम जानना होता है। इसलिए वो बच्चा यदि बीटेक कर लिया है तो सॉइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो अपना लैब खोल सकते हैं या डिफरेंट्स पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और उन्हें अच्छा सर्विस मिल सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो स्ट्रक्चर्स का डिजाइन करते हैं, जैसे डैम है, टनल्स हैं, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री हैं, ये सारे डिजाइन हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स करते हैं। तो एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर विपिन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ बताया जो कि एक सिविल इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत सारे लोग केवल ये सोच के कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ले लेते हैं कि उनमें पढ़ाई के बाद पैसा ज़्यादा है, ऐसे में सिविल ब्रांच इन सब से कैसे अलग है? ऐसा नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पैसा है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, योग्यता कितनी अंदर आपके अंदर है, कितना मादा रखते हैं, कितना आप कंप्यूटर फेस कर पाते हैं। यदि आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता आपके अंदर है, तो मैं नहीं समझता कि सिविल में कुछ कम पॉसिबिलिटीज़ हैं या कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी संभावनाएं सिविल में हैं और ज़्यादा है। यदि कंपेयर करने वाली बात मैं यदि करता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन यदि करूँ, तो बेटर ज़्यादा संभावना है। आप देखें, कोई भी आप देखें, रोजगार से संबंधित यदि जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही है तो कितने सारे रोड्स का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रियल इस्टेट में देख लें, कहीं और जाकर देखें आप, तो बूम आया हुआ है इस समय और बहुत डिमांड है सिविल इंजीनियर्स की और पैसा भी काफ़ी कंपेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरा कहना, जैसा आपने कहा, मेरा मानना ऐसा है कि कंपेटिवली ज़्यादा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र में। सुरेश जी, पढ़ाई के अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के अंदर और क्या नेसेसरी एप्टीट्यूड होने चाहिए जिससे वो सिविल इंजीनियर के फील्ड में आसानी से काम कर सके? पढ़ाई के अलावा दृढ़ परिश्रमी होना चाहिए, सबसे बड़ा तो परिश्रम इसमें बहुत होता है और किसी भी विषय से जी, तो आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल सुदृढ़ होना चाहिए कि मुझे ये काम करना, और उसमें समय का नहीं देखना है कि ये समय हो गया, अब मेरा समय हो गया है, इस क्षेत्र में कोई समय नहीं होता है। इसमें समय आपको खुद का समय है, आपको खुद डिसाइड करना है कि ये समय में ये होना है नहीं होना है। आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते अगर आपने ये सोचा कि मेरा समय हो गया है, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। इसमें आपको परिश्रम धूप में बारिश में करते रहना जी बिल्कुल, यानी सिविल इंजीनियर को बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ता है। तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमेशा से ही महंगी रही है, ऐसे में कई स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली ऐसी होती हैं जिनके लिए इस पढ़ाई को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए कौन से बैंक कितना लोन देते हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए नेशनलाइज्ड जितने भी बैंक हैं वो लोन देते हैं। अगर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं। देश में और विदेश में पढ़ाई के लिए लोन सीमा अलग है, अगर आप देश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी लोन लिमिट अलग होगी, और अगर आप अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी लोन लिमिट अलग होगी। देश में पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप अपने ही देश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तो आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख तक का अधिकतम लोन प्रोवाइड करवाते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई विदेशों में जाकर करना चाहते हैं। 3 लाख रुपए तक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती, अगर 3 लाख हम बात करें तो 3 लाख रुपए तक के लिए कोई सिक्योरिटी का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती है। 3 लाख से ज़्यादा पर लोन के हिसाब से सिक्योरिटी कंपलसरी है। 3 लाख से ज़्यादा पर लोन के लिए आपको बता दें कि यहाँ बैंकों ने सिक्योरिटी कंपलसरी कर रखी है। चलिए, ये तो सिविल इंजीनियरिंग में एजुकेशन लोन की बात हो गई। वहीं स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी ज़रूर होता है कि
सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स को करने के बाद हमारा स्टार्टिंग पैकेज कितना होगा और वर्किंग एक्सपीरियंस होने के बाद क्या कुछ अर्निंग हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सिविल इंजीनियर्स का सैलरी पैकेज। बैचलर डिग्री स्टूडेंट को 20 से 22,000 पर मंथ की सैलरी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मिलती है। ये सैलरी पैकेज बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है, 20 से 22,000 पर मंथ। 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी पैकेज 35 से 40,000 पर मंथ हो जाता है। अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो 35 से 40,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स को 25 से 30,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। अगर आपने मास्टर डिग्री ली है तो स्टार्टिंग का आपका पैकेज 25 से 30,000 पर मंथ होगा और 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी पैकेज बढ़कर 45 से 50,000 पर मंथ पर पहुंच जाता है। ये सैलरी पैकेज मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है। विदेशों में लाखों रुपए पर मंथ होती है सैलरी। अगर आप इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो लाखों रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं, पर मंथ लाखों रुपए की सैलरी आपकी होती है। सरकारी नौकरी में सैलरी पैकेज अलग होता है। अगर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो उसका सैलरी पैकेज अलग है। और आपको बता दें ये सैलरी पैकेज केंद्र और राज्य सरकार के विभाग पर निर्भर होता है कि आप कौन से विभाग में किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसमें एक सिविल इंजीनियर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग, घर बनाना, डैम बनाना जैसे कई काम करता है। सिविल इंजीनियर का काम काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है। ऐसे में एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी ज़रूरी हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। इस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए आपको बता दें साइंस सब्जेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करना यहाँ पर नेसेसरी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपका पास आउट होना मैंडेटरी है। आपके पास 12th में फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ्स होगी तभी आप इस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। और 12th में 60% मार्क्स होना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपके आप 12th पास आउट हैं तो इसमें आपके 60% मार्क्स आने ही चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए 10th पास होना यहाँ पर ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप जूनियर सिविल इंजीनियर पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने सिविल इंजीनियर बनने की योग्यता से लेकर सैलरी पैकेज, लोन फैसिलिटी तक के बारे में जाना। अब एक बार फिर से चलते हैं हमारे गेस्ट के पास, डॉक्टर शर्मा। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट इसी स्ट्रीम में सरकारी नौकरी करना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में अगर गवर्नमेंट जॉब काफ़ी है जी। अगर मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट में इरीगेशन है, PWD है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आप देखें तो तब भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। CPWD है और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है। इसके अलावा यदि डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं बीटेक करने के बाद स्टूडेंट्स तो उसके लिए बहुत अच्छी संभावना है। थ्रू UPSC के थ्रू एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको कमीशन मिलता है उसमें। इसके अलावा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इंजीनियर्स का होता है, उसमें जा सकते हैं आप। थोड़ा चैलेंजिंग जॉब करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जिसको बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन, उसमें है, उसमें जा सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी सरकारी नौकरी में भी सीमित संभावनाएं हैं सिविल इंजीनियरिंग की, संभावनाएं जी। सुरेश जी, हम यहाँ आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के बीच के अंतर को भी जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर लोग दोनों प्रोफेशंस को एक ही समझ लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि आर्किटेक्ट और सिविल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। आर्किटेक्ट किसी भी परियोजना को उसकी रूपरेखा तैयार करता है, उसके नक्शे तैयार करता है और जहाँ तक निर्माण कार्य के क्रियान्वयन का सवाल है उसमें सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर दोनों मिलके किसी भी परियोजना का पूरा करने में सहयोग करते हैं जी। यानी कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। तो आज हर जगह वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कंपनी हो या कंसल्टेंसी सर्विस या फिर बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, किसी भी यूनिट को रिपेयर, मेंटेनेंस से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के काम में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती ही है।
तो आप इस फील्ड में आसानी से एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और आज का ये पूरा एपिसोड देखने के बाद ये कंफर्म भी हो गया कि एक सिविल इंजीनियर को इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में भी परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना बेस्ट करियर बनाना चाहते हैं तो आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और स्टूडेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज भी दी। आई होप कि हमारा शो देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे हमारे नए एपिसोड के साथ। तब